Hi guys, hi guys, welcome back to my channel. ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट इज बैक इन आर वीडियो. सो आज की वीडियो बहुत टेक्स लेने वाली है, आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है इसने कुछ ना कुछ पोक करते रहना है. मुझे ऐसा लगा कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अर्बेनिक के हॉल्स वीडियोस बनाए ही नहीं, तो मैंने सोचा एक अर्बेनिक की वीडियो भी बीच में हो जाए. ये अर्बेनिक की वीडियो मैं आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे गोवा जाना है. हमको जाना पड़ेगा. सो गाइस, आई डोंट नो, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है. मैं आज से दो बार पहले ऑलरेडी हम लोग गोवा का प्लान बना चुके हैं. फ्लाइट टिकट्स हो जाते हैं, रिजॉर्ट वगैरह सब बुक हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे आके वो कैंसिल हो जाता है. लाइक एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार फ्लाइट टिकट्स हुए वो कैंसिल हुए, और हर बार मेरे को पैसों का लॉस होता है, लाइक मॉनेटरी लॉस से मैं चली जाती हूँ. एंड थर्ड बार फिर से ऐसा हुआ कि मेरे फ्लाइट टिकट्स हो गए हैं, होटल बुक हो गए हैं, और मैं अभी भी अनश्योर हूँ कि मेरे को जाना है या नहीं जाना. अगर ये तीसरी बार भी ऐसा हुआ तो मैं लिटरली मान लूंगी कि गोवा मेरी जिंदगी में लिखा ही नहीं है, ये मेरे लिए मनहूस है. आई डोंट नो दिस इज द करेक्ट वर्ड टू यूज, बट हाँ, मनहूस है. फिर मैं गोवा का प्लान ही नहीं करूँगी अगर मैं इस बार भी नहीं गई. सोचो मेरा ये प्लान बहुत कब से, अराउंड एक महीना पहले प्लान हो गया था कि मुझे इस डेट को गोवा जाना है. एंड तभी मैंने अपना अर्बेनिक का ऑर्डर लगा दिया था, मुझे गोवा के लिए कपड़े चाहिए थे इसीलिए. तो मुझे लगा क्योंकि ना अर्बेनिक टाइम लेता है, और सोचो मेरा अराउंड 20 डेज पुराना ऑर्डर और ये आज आया है, और मुझे अगर मैं गई तो मुझे परसों गोवा के लिए निकलना है. तो इसीलिए मैंने सोचा मैं फटाफट आज ही ये वीडियो कर देती हूँ. तो मैंने ये वाला ऑर्डर जो भी लगाया था, लाइक इसी माइंडसेट से लगवाया था कि मेरे को ये सारे कपड़े मेरे गोवा में यूज़ होंगे, लाइक वहाँ पे नाइट पार्टीज़ के लिए या दिन में मैं जो भी चीज़ें पहनूंगी. सो मैं पहले बता दूँ, लाइक इसमें मैंने ऐसा कुछ गोवा सोच के आपको दिखाऊंगी वो ही आ रहा होगा, बहुत सारे क्रोशे वाले कपड़े एंड स्विम वेयर्स, बीच वेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है. मैं लाइक बीच वेयर वगैरह मेरे पास फिर भी एक दो है, तो मैंने इस पर वो नहीं मंगवाया. मैंने ड्रेसेस वगैरह ज़्यादा मंगवाई जो मुझे, क्योंकि मुझे पता भी वहाँ बहुत गर्मी होगी, हम दिन में इतना नहीं घूमेंगे, हमारा जो भी घूमना फिरना होगा लाइक नाइट पार्टी ज़्यादा होंगी. सो मेरे वो वाले कपड़े थोड़े से मैंने ज़्यादा मंगवाए हैं. तो चलो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं. सो आज की वीडियो होने वाली है गोवा के कपड़े फ्रॉम अर्बेनिक. अतरंग अलग अलग से टाइटल्स मेरे को दिमाग में आने लगे हैं. लाइक बीच में क्या होता है, मेरा फ्लो टूट गया था वीडियोज़ का, लाइक 6 मंथ्स मैंने ढंग से काम नहीं किया तो आइडियाज़ ही नहीं आते थे. अब तो मेरे को काफ़ी आइडियाज़ आ रहे हैं. मेरा बहुत मन है कि मैं चैलेंजेस वीडियो ही बनाना शुरू करूँ. चलो कोई ना, बहुत दिन हो गए थे, आप में से मुझे एक दो लोग बोलने भी लगे थे कि आप अर्बेनिक हॉल करो, तो इसी बहाने मैंने सोचा अर्बेनिक हॉल भी हो जाएगा. मुझे लगा था कि एटलीस्ट एक कार्टन में तो ये आएंगे, बट कार्टन में नहीं आए. ये ड्रेस आप मानोगे 2 दिन में आ गई थी, एंड ये वाला पैकेट ये पूरे 20 डेज में आया. मेरा बहुत ज़िंदगी ख़राब कर रखा है, चाहे फिर मेरा ज़िंदगी ख़राब हो रखा है. सो हम लोग फर्स्ट शुरू करते हैं इस ड्रेस से जो बहुत पहले आ गई थी. और आप सोचो मैं खुद को कितना कंट्रोल करती हूँ. मैं अराउंड 15 डेज से पहले मुझे मिल गई थी, और मैं इसको खोल के भी नहीं देखा मैंने, बिकॉज मैं इसको कैमरा पर ही खोलना चाहती थी. कितना कष्ट देती हूँ मैं खुद को एक लड़की के लिए, एक लड़की होके उसकी ड्रेस आई पड़ी है वो नहीं देख रही है खोल के, सोचो. सो फर्स्ट है ये, एंड दिस इज़ रुश्ड बॉडीकॉन ड्रेस. बड़ी महंगी है यार ये, 2290. इतने से मीशो हॉल्स कर रही हूँ ना, तो वही आदत हो गई है. 2000 की चीज़ तो वैसी लग रही है, क्योंकि वही 500, 600, 300 इतने सही में. एक और रीज़न है कि ये वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं सारे कपड़े देख लूँ, बिकॉज एट टाइम्स चीज़ें बहुत लूज़ आती हैं या मेरे फिट का इशू होता है. सो मैं वहाँ ढीले कपड़े या मेरे साइज़ के नहीं होंगे तो ऐसे नहीं पहनूंगी. सो मैं इनको एटलीस्ट ऑल्टर वगैरह करवा लूँगी. सो अब आते हैं इस ड्रेस पे. एक चीज़ जो मुझे लग रही है, मुझे ऐसा लगा था इसमें जो मटेरियल है वो चिकना सा, शाइनी सा, वैसा सा होगा. ये रियलिटी में ऐसा जूट का कपड़ा नहीं होता, ये मुझे कुछ वैसा सा लग रहा है. मुझे बहुत ही डिफरेंस लग रहा है कपड़े में, जो मैं फ़ोटो में देख रही हूँ और जो मैं रियलिटी में देख रही हूँ. एंड इसका जो मटेरियल वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है पॉलिस्टर लिखा हुआ है. इसका स्टाइल लिखा हुआ है सेक्सी. वाओ. सो ये एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मैंने मंगवाई है, एंड ये थोड़ा स्ट्रेचेबल, इसका मटेरियल अच्छा खासा स्ट्रेचेबल है. बस इसका साइज़, इसका जो इस ड्रेस का पूरा लुक ही इसके फिट से, इसका फिट मुझे बहुत स्मार्ट लग रहा था ये मॉडल के ऊपर पहना हुआ, इसलिए मैंने इसको मंगवाया. एंड मुझे लगा था ये नाइट पार्टीज़ वगैरह में ये बहुत स्मार्ट लगेगा पहना हुआ. सो बट मुझे क्या करिए, मुझे लूज़ हुआ या कुछ फिट का इशू हुआ तो इसका पूरा लुक ही ख़त्म हो जाएगा. एंड मुझे इसकी क्वालिटी, मुझे इसके कपड़े से बहुत इशू लग रहे हैं. वैसे तो बहुत ही प्यारी सी शाइन है इसमें, ऐसे ग्लिटर टाइप लगे हुए हैं सिल्वर कलर के, बट कपड़ा आई डोंट नो, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा. चलो कोई ना, एनीवेज इसको पहन के देखते हैं. मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको रिटर्न भी नहीं करूँगी. देखते हैं, अगर फिट का इशू हुआ तो मैं इसको एटलीस्ट ऑल्टर तो करवा ही लूँगी. तो चलो लेट्स ट्राई दिस.
सो मैं इस ड्रेस से पहले थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी, बट पहनने के बाद बिल्कुल भी नहीं हूँ. पहनने के बाद ही बहुत स्मार्ट लग रही है. सी आप इसका लुक एंड फिट देखो एक बार. इसका कपड़ा ऐसे पहनने के बाद पता नहीं चला, वो थोड़ा सा रफ है, वो थोड़ा सा जूट टाइप है जो चीज़ें पहले बोल रही थी, बट ऐसे पहना वो गंदा नहीं लग रहा है, बहुत स्मार्ट फील दे रही है. अगर आप इसको अच्छे से स्टाइल करो तो ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर सी पार्टी वियर ड्रेस है, सुंदर सी, कंफर्टेबल भी है पहनने में. और मेरे को ये साइज़ बिल्कुल परफेक्टली फिट हुआ. मेरे को था अगर साइज़ अच्छा नहीं आया तो उसका पूरा लुक खराब हो जाएगा, तो वो इशू मुझे इसमें आ नहीं रहा है. एंड का कलर भी काफ़ी डिफरेंट है, लाइक मर्ड ब्राउन सा कलर है. ऐसा कलर का मेरे पास कुछ है नहीं. इसका फिट बहुत स्मार्ट, इसका जो ये गैदर्ड सा फैब्रिक लाइक रोस्ट को बोलते हैं, उससे आपकी फिजिक बहुत अच्छी आती है अगर आप थोड़े मोटे हो. सो वो फैट्स इस गैदर्ड फैब्रिक की वजह से छुप जाता है. सो वो चीज़ मुझे इसकी अच्छी लग रही है. इसके प्राइस के हिसाब से मुझे थोड़ी सी कॉस्टली लग रही है कि लाइक सिंस एक या दो बार ये यूज़ होगी तो, बट ठीक है. अब आते हैं दूसरे पैकेट पे. मैंने कहा था ना इसने डिस्टर्ब करना ही करना, आदत से मजबूर. जो मुझे आज ही रिसीव हुआ, सो मैं सबसे पहले क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं, चलो इसी से शुरू करते हैं. सो ये है सिंप्लिसिटी क्लॉथ शॉर्ट्स एंड ये है 1790 के. सब कुछ मुझे इतना महंगा क्यों लग रहा है. ये सिर्फ दो ही कलर्स में थे, ब्लैक एंड ब्लू. ब्लू कलर मेरे पास स्टिल बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, ब्लैक में नहीं है. सो मैंने सोचा लेट्स गो फॉर ब्लैक. यार ऐसे देख के तो ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं. सी Nice. इसका मटेरियल लिखा है कॉटन. ओकेजन इज डेली. डेली तो मैं इसको नहीं पहनूंगी. स्ट्रेचेबिलिटी इज मॉडरेटली स्ट्रेचेबल स्टाइल कैजुअल. सो ये मुझे ऐसे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा गोवा में ये बहुत यूज होगा दिन में घूमने के लिए. कोई भी लूज सी टी शर्ट्स पहनो या क्रॉप टॉप पहनो, इसको पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लुक बन जाएगा अगर इसका फिट अच्छा हुआ तो. चलो लेट्स ट्राई दिस. ऐसे तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को इससे बहुत हाई होप्स हैं. ये स्कर्ट एक्चुअली ये शॉर्ट नहीं है, ये स्कर्ट है. सो ये ऐसे स्कर्ट का फील दे रहा है बट ये एक्चुअली है शॉर्ट्स. सो दिस इज अ स्कर्ट. लेट्स ट्राई दिस. सी गाइज लुक एट द फिट. मुझे इसका फिट इतना पसंद आया एंड ये ब्लैक कलर का है, बेसिक डेनिम, तो ये मेरा बहुत यूज़ होने वाला है. नॉट ओनली इन गोवा, इस समर से भी इन जनरल मेरा ये बहुत यूज़ होने वाला है. मेरे पास ऐसे कोई स्कॉट थे नहीं और अंदर ना बहुत पतला सा कपड़ा जो इन्होंने इसके अंदर लगाया हुआ वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल है और वैसे भी बहुत कम्फर्टेबल. इसके स्ट्रेचेबल होने की वजह से ये मुझे बहुत ही कम्फर्टेबल फील दे रहा है. एंड अच्छा हुआ कि मैंने इसको स्मॉल साइज में मंगवाया, बिकॉज स्मॉल मुझे काफ़ी अच्छे से फिट हो रहा है. एंड इसका जो ये वाला शेप है ये भी मुझे बहुत अलग सा और सुंदर सा लग रहा है. थोड़ा सा कॉस्टली, हाँ लाइक 1790 का ही करंटली दिखा रहा, अराउंड 1800, बट ऐसे बेसिक चीज़ों के लिए इतने प्राइस में को स्टिल इन्वेस्ट करना वर्थ इट लगता है, बिकॉज ये चीज़ें हम बार बार पहनते हैं और बहुत बार यूज़ होती है. ड्रेसेस टी शर्ट शर्ट्स में स्टिल लगता है कि वो एक दो बारी पहनी जाएंगी इतना पैसा इन्वेस्ट करने में, बट शॉर्ट्स जीन्स इन सब चीज़ों में तो वी कैन इन्वेस्ट बिकॉज इन्हें हम काफ़ी यूज़ करते हैं. लुक एट द फिट एंड इसकी क्वालिटी, इसके फिट वगैरह के हिसाब से वो वर्थ इट है. नेक्स्ट इस, ये इतनी छोटी सी ड्रेस कैसे आई? मैं यहाँ फोटो लगाऊंगी, मुझे देख के लगा था काफी अच्छी खासी बड़ी सी ड्रेस होगी. दिस इज रफल बॉडीकॉन ड्रेस एंड ये 1990 की है और इसको मुझे देखते ऐसा लग रहा था ये बात बीच से पहनी हुई बहुत सुंदर लगेगी. सो इसीलिए मैंने इसको मंगवाया. मतलब एक मेरे दिमाग में बीच था एंड ये ड्रेस थी. जैसे मैं कपड़े खरीदती हूँ, अगर मैं कहीं सच में पहन के जाना होता है उसको, फॉर इंस्टेंस जैसे मैं गोवा जा रही हूँ तो मैं सब कुछ सोचती हूँ कि कैमरा पे कैसा दिखेगा, फोटोज़ मेरे कैसे आएंगे और पहना हुआ कैसा लगेगा. सो मैं उस हिसाब से मंगवाती हूँ. मुझे लगा था इसके अंदर इस लड़की ने ब्लैक कलर का इनर ड्रेस पहनी हुई है, मुझे लगा वो साथ में आएगी, बट वो नहीं आया. ऐसे फिर नेट की ड्रेस इन लोगों ने दी है 2000 रुपये की, उस हिसाब से तो ये मुझे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लग रही है. बट एनी वेज, तो ये है इसका गला. निपिन कह रहा है सच तो अपना भी शोड़िया है. सो ये है यहाँ का लाइक ऐसे एंड नीचे पूरे ऐसे रफल्स वाला काम है. सो मुझे लगा था ये बहुत सुंदर लगेगा बीच पहना हुआ, ये रफल्स पूरे बीच वाइब्स मुझे दे रहे थे. सो मुझे अब इसके अंदर की ड्रेस अपनी ही कुछ ले जानी पड़ेगी. ये बहुत गलत किया आप लोगों ने. इसका मटेरियल वगैरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मटेरियल इज पॉलिस्टर, स्टाइल इज सेक्सी, लाइनिंग नो. अच्छा यहाँ पे दिया हुआ अबाउट दिस प्रोडक्ट में लाइनिंग नो. मुझे ये चीज़ पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, बट एनीवेज चलो इसको पहन के देखते हैं. कलर नो डाउट बहुत प्रिटी है, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका. लेट्स ट्राई दिस. सो एक चीज़ जो मुझे लगी वो ये कि मैंने लाइक अभी इसके अंदर अपनी एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी बट उस पर लेस वर्क हो रखा है. सो वो इतना अच्छा लग रही ना, बिल्कुल ही कोई प्लेन बेसिक ड्रेस इसके नीचे आएगी, वो भी बहुत ही पतले से कपड़े की. इसका कपड़ा काफ़ी मोटा है, सो वो चीज़ एक तो ये नेक एंड काफ़ी सी थ्रू है, सो वो अंदर जो भी है वो क्लियरली दिखेगा, तो कुछ बिल्कुल ही प्लेन ही इसके अंदर स्मार्ट लगेगा. दूसरा ये कि मुझे इसका कलर बहुत प्यारा, बहुत ही
पॉपी सा मजेंटा सा पिंक फोटोज में डाला था, बट पहनने के बाद वो आई डोंट नो वो कलर का फील ही नहीं मुझे आ रहा। ये मुझे थोड़ी सी वर्थ इट कम लग रही है, इसके प्राइस के हिसाब से ये बहुत कॉस्टली है। यस ये 1990 की है, लाइक अराउंड 2000 की। इसके दो कलर्स और एप्रिकोट एंड ब्लैक, सबसे अच्छा पिंक ही लग रहा था। मैं फोटो लगाऊंगी तो आप देखना कितना प्यारा सा वो पिंक लग रहा है, बट इन रियलिटी पहन के मुझे बहुत ही फीका सा कलर लग रहा है। कि तो ये पूरा बीच वाइब दे रही है, यहाँ पे रोज, यहाँ पे रोज, ये फ्रिंजेस वगैरह अच्छे लग रहे हैं। आप इसके अंदर बिकिनी पहनो, उसके ऊपर एज अ कवर अप आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो बीचेस वगैरह पे। इसका नेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा मटेरियल इन लोगों ने यूज़ किया, बिल्कुल नहीं चुभ रहा है वो स्किन पे। बट वो एक लाइक 2000 के हिसाब से सिर्फ ये पीस मुझे वर्थ इट नहीं लगा, बिकॉज इनको इसके अंदर की लाइनिंग वगैरह भी देनी चाहिए थी। सो ठीक है, ऐसे तो ये मुझे अच्छी लग रही है। वो हैट वगैरह लगा के आप इसको बीच पे घूमो, बीच बैग लेके, सो बहुत अच्छा लुक आएगा। ऐसा लग रहा है ये अल्बैनिक सच में महंगा हो गया। सो नेक्स्ट इज दिस ड्रेस, दिस इज रूस्ट कॉकटेल ड्रेस। एंड ये इसका वैसे कपड़ा छूने में नो डाउट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये 2690 की, यानी करंटली आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है। इसके सारे कलर्स इतने प्रिटी है ना, ब्लैक, बर्गंडी, लाइट पिंक, ब्लैक, ब्राउन, बट मैंने मंगवाया था बर्गंडी कलर। इसमें बहुत ही प्यारी सी शाइन है इसके कपड़े में। एंड मैंने ये साइज, यस ऐसी वाली ड्रेसेस तो एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाने का फायदा, अदरवाइज वो इतनी लूज सी आती है, उनको फिट करवाते रहो। सो पहले मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, यार बस ये लूज ना हो। ओह सो ये इसका फ्रंट, एंड यहाँ से कुछ ऐसा स्लिट है। मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसी ड्रेस है सेम इसी स्टाइल की, ग्रीन कलर की, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे फोटोज डाले हैं। बट वो सस्ती थी, कुछ सिमिलर उसी स्टाइल में। आई थिंक इसका जो प्राइस, इसके कपड़े की वजह से, इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मोटा और बहुत ही प्यारी सी शाइन है, लाइक एग्जैक्टली जैसा फोटो में है सेम वैसा इसका कपड़ा मुझे लग रहा है। आई थिंक अगर इसका फिट अच्छा है तो जैसी ये फोटो में लग रही है सेम वैसी लगेगी। बहुत ही प्यारी शेप आती है इसमें बॉडी की, ऐसी वाली ड्रेसेस में, बिकॉज जो यहाँ से मटेरियल होता है थोड़ा सा ऐसे उठा होता है, गैदर्ड फैब्रिक होता है, जैसे मैंने कहा ना गैदर्ड फैब्रिक में, अगर यहाँ से गैदर्ड फैब्रिक हो तो वैसे आर ग्लास वाला फील दे देता है। सो वही इन ड्रेसेस का फायदा होता है। इसका भी मटेरियल पॉलिस्टर लिखा है इन्होंने। सो बाकी तो मुझे पहन के पता चलेगा कि ये कैसी लगती है। ऐसे तो मुझे इससे बहुत हाई होप से, मुझे बहुत प्यारी लग रही है, बस ये अच्छी निकल जाए। सो ये भी मैंने नाइट पार्टी के लिए ही मंगवाई है वहाँ के, तो चलो लेट्स ट्राई दिस। रात में कलर बहुत खिलेगा, बहुत सुंदर लगेगा, ऐसे ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं रात में डिम लाइट्स में। सो लेट्स ट्राई दिस। गाइज इस ड्रेस को अकेले पहनना इज अ टास्क, लाइक यहाँ पे इसमें ना साइड जिप है, मैं बहुत देर से अकेले लगी पड़ी थी उस जिप को खींचने में, वो ऐसे खींच खींच के कपड़ा। सबको किसी की नीड, सबको किसी की हेल्प चाहिए ही होगी इसको पहनने के लिए, मेरे को तो बहुत टाइम लगता। सी गाइज लुक एट द फिट, फिट इज जस्ट वाओ। इसका मुझे फिट इतना पसंद आया, लाइक अपार्ट फ्रॉम फिट आप इसका लुक देखोगे कितने स्मार्ट लग रही है। यही कपड़ा अगर आप अर्बैनिक से थोड़ा कम प्राइस में मंगाते हो, लाइक फॉर इंस्टेंस 1000, तो आपको डिफरेंस खुद पता चल जाएगा। इस कपड़े में एक वो रिचनेस, एक वो क्लास है, वो दिख रही है। सो आप इसको कहीं पहन के जाओगे तो वो लग रहा है कि हाँ ये थोड़ी सी कॉस्टली ड्रेस है। सो वो क्लासीनेस मुझे इसके कपड़े में बहुत अच्छे से फील हो रही है, वो स्किन पर बहुत अच्छा प्यारा फील दे रहा है वो कपड़ा। एंड जैसे मैंने कहा था लाइक वही गैदर फैब्रिक रूस्ट ड्रेस है ये भी। सो इसमें भी आप पतले लगते हो, जैसे फैट्स वगैरह छुप जाता है ना, ऐसे ऐसे स्टाइल्स थोड़े बहुत आ जाते हैं, तो वो ड्रेस बहुत सुंदर सी लगने लग जाती है। सो वो चीज़ ही मुझे इसकी बहुत पसंद आई। एंड वही कि इसको मैं और अच्छे से स्टाइल करूँगी तो ये बहुत प्यारी लगेगी, एंड बहुत ही कम्फर्टेबल भी लग रही है, लाइक कम्फर्टेबल, स्टाइलिश, सेक्सी एट द सेम टाइम, सबका सा कुछ मिल रहा है। बस वो है कि कॉस्टली है बट वर्थ इट है। अगर आप लाइक इतना स्पेंड करना चाहते हो तो आप इस ड्रेस पर कर सकते हो। ये मुझे बहुत पसंद आई, इसकी हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। नेक्स्ट इज दिस, एंड ये है कटआउट बॉडीकॉन ड्रेस। एंड ये भी मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में ही मंगवाई है। आई थिंक इसका ये, चले खोल के देखती हूँ कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ। इसमें ना एक मैश टाइप है ऊपर से नीचे ड्रेस है, तो वो सेपरेट आया है या जुड़ा हुआ है? नहीं, वो जुड़ा हुआ ही अच्छा है, वरना वो चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती है। अगर ये मैश खो जाए तो उसके अंदर की ड्रेस ढूंढते रहो, बट फायदा होता है वो और सेपरेट आया होता है, वो मेरी उस पिंक ड्रेस के नीचे ही मैं उसको पहन लेती हूँ, मुझे उसके लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा। ओके सो इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा लाइक, ये मुझे पता है कि थोड़ी सी लूज होगी, बट इसका स्टाइल ही, बट लिखा तो बॉडीकॉन ड्रेस है एंड इसको भी ये लूज है यहाँ पे जो मॉडल है। सो आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूँ कि फिट में होनी चाहिए या इसका स्टाइल थोड़ा लूज होना चाहिए। वैसे ऐसे देख के तो मुझे ये अच्छी लग रही है, बिल्कुल सिमिलर लग रही है फोटो जैसी ही। क्वालिटी भी मुझे इसकी ठीक लग रही है और इसका प्राइस भी ठीक ही है। इसका जो मटेरियल यहाँ पे लिखा है वो है पॉलिएस्टर, पूरा सीक्विन वर्क हो रखा है इसमें ऊपर, एंड सीक्विन वर्क तो रात में अच्छा लगता है पहना हुआ पार्टीज वगैरह में। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने इसको मंगवाया था ब्लैक कलर, तो मैंने सोचा मैंने कुछ ब्लैक ड्रेस नहीं मंगवाई, सो लेट्स गो फॉर ब्लैक। सब मुझे एक ही डाउट है कि इस पे जो सीक्विन वर्क हो रखा है ये चुभे ना, मुझे लग रहा है कि ये चुभेगा, नॉट श्योर पहन के चुभेगा यार ये, तो चलो इसको पहले ट्राई करते हैं फिर इसके बारे में और बात करते हैं।
सो इसको पहनते वक्त आप ध्यान रखें कि आपने अपनी सारी एसेसरीज निकाली हो, बिकॉज मैंने रिंग्स एंड ये वॉच निकालनी थी, ये इतना फंस रही थी ना मैंने इतनी मुश्किल से इसको पहना. सो इसको पहनने के बाद ये इतना तो नहीं चुभ रहा, लाइक थोड़ा बहुत तो हाँ चुभेगा बिकॉज सिक्विन है एंड ये मटेरियल भी थोड़ा सा रफ सा है, सो उस चीज़ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. बट मैं इसके लुक को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूज हो रही हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इसको बॉडी कॉन बना रही हूँ लाइक प्रॉपर मेरे फिट का, तो भी मुझे इसका लुक में कुछ वाव वाला फील नहीं आ रहा, मुझे ऐसे भी नहीं आ रहा. बट जैसे मैंने इसको प्लान किया, लाइक मेरा प्लान इसको ऐसे पहनने का है कि मैं इसके नीचे स्टॉकिंग्स पहनूंगी वो जिस पे राइनस्टोन्स लगे होते हैं, शूज़ भी राइनस्टोन्स वाले मेरे शीन वाले, मैं फोटो लगा दूंगी मैं किसकी बात कर रही हूँ वो, तो मे बी फिर इसका लुक अच्छा लगे. बट अभी ऐसे तो आई एम नॉट श्योर कि है, मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा. इसके प्राइस के हिसाब से भी ये और बेटर हो सकते थे, इसके प्राइस के हिसाब से मुझे उतनी वर्थ इट नहीं लग रही है. बट अब मैंने ले लिया तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, उसको आप फिट भी नहीं करा सकते, उसको कैसे आप फिट कराओगे, करवा सकते हैं वैसे ये ऐसे दब जाएगी तो, बट तब भी मुझे कुछ खास मज़ा आ नहीं रहा. सो ठीक है, ये मुझे ओके ओके सी लगी. नेक्स्ट इज दिस, एंड दिस इज बीडेड हॉल्टर टॉप, एंड ये वन साइज में है एंड कलर भी स्काई की, कलर ऑप्शन भी नहीं, साइज ऑप्शन भी नहीं, मंगवाना तो लेना तो लो वरना मत लो वरना जाओ बाड़ में. ये मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है यार, दिस इज नाइस, ओ ला ला. ओके कैसा लग रहा है? सो ये कुछ, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा सा नेकलेस कि इसको ऐसे गले में डाल लो यहाँ से और उसको पीछे से ऐसे बांध लो. इसका जो कलर ना वो प्रॉपर मजेंटा पिंक यहाँ फोटो में आ रहा है, बट इन रियलिटी ये बहुत ही रेडिश शेड्स दे रहा है, इसके ना लाइट के हिसाब से शेड्स चेंज कर रहा है ये अपने. सो वो चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लग रही है. इसका स्टाइल यहाँ पे ग्लैमरस लिखा हुआ है एंड ओकेजन लिखा हुआ है पार्टी. बाकी इन लोगों ने जो भी मेटल यूज़ किया हुआ ये बहुत ही अच्छा है, मुझे लगा था ये चुभे ना, बट ये ऐसे मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील दे रहा है, आराम से किसी भी शेप में ढल जा रहा है. सो आपके जो भी आपकी बॉडी टाइप या फिजिक होगा ये उसके हिसाब से खुद को खुद एडजस्ट कर लेगा. ना ये भी मैंने पार्टीज का सोच के मंगवाया था, बिकॉज दिन में तो ये अच्छा नहीं लगेगा, बट नाइट पार्टीज में शॉर्ट्स वगैरह स्कर्ट्स के ऊपर आप इसको पहन लो, ये बहुत स्मार्ट लगते हैं इसे पहने हुए. मैंने पहले भी एक दो बार मंगवाया, वैसे यूज़ तो कभी आज तक किया नहीं, बट मंगवा लेती हूँ. चलो इसको ट्राई करके देखते हैं किसी चीज़ के साथ, लेट्स सी ये कैसा लगता है प्रॉपर पहना हुआ. शानू को बहुत क्यूरियोसिटी थी इसको ये पहन के देखना था ये लगता कैसा है, और इसको उठा के कहता मुझे लगा था ये बहुत हैवी है, बट ये बहुत लाइट वेट है. हाँ इसमें ये काफ़ी लाइट वेट है, देख के लग रहा है कितना भारी होगा, बट ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी. मैं कुछ ऐसा सही मेटल का एक वहाँ से लाई थी जनपद से, मैंने उसको आज तक नहीं पहना, बट वो इतना भारी है ना मैं उसको पहनने की हिम्मत कर भी नहीं पाती हूँ, बहुत हैवी है वो. ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत लाइट वेट है. सो ये पीछे से कुछ तो ये उतार के पहन ना, ये उतार तभी तो लुक आएगा गाइस, को बोलो एक बार देख ले सी, ये उतार फिर इसका लुक पता चलेगा. चलो इसको उतार के मैं आपको पहन के पहनवा के दिखाती हूँ. दिखाइयो टाइट तो नहीं ज्यादा, यहाँ खड़ा हो वहां जा. सो सी गाइस एक मिनट रुक, सी गाइस ये कुछ ऐसा लगेगा पहनने के बाद. सो मैं सोच रही मैं तो आपको क्या ही पहन के दिखाऊं, इसका लुक तो आपको समझ आ ही गया होगा. बहुत अच्छे. इसके लिए एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी लग रही है, वो ये कि बहुत ही लाइट वेट है, वो चीज़ की मुझे बहुत पसंद आई. एंड मैं आई नो मैंने अभी इसको जैसे ऐसे आपको पहन के दिखाने के लिए अंदर ब्लैक कलर की पहन ली है ऊपर ये, सो दैट आपको उसका लुक पता चल जाए, बट ये ऐसे नहीं होगा. अभी मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे पहनूँ कि ये अच्छा लगे, और आप भी मुझे सजेशंस दे सकते हो कि मैं इसको कैसे पहन सकती हूँ, मुझे आप कमेंट्स में सजेशंस दो. एंड जैसे मैंने कहा था कि लाइक इसकी ये मेटल बहुत ही अच्छा इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, सो वो आपके शेप के हिसाब से खुद ही अडेप्ट कर रहा है खुद को. ऑल्सो मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही बड़ा सा नेकलेस पहना हुआ है. सो गाइस आप ये शानू ये जानना चाहता है आप लोगों से कि ये उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था या मेरे ऊपर, सो कमेंट्स में भर दो. आपको शानू उसका नाम शानू है, शानू के ऊपर अच्छा लग रहा था लिखो शानू, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा था लिखना रुगी स्विनी, मुझे जिता दो. उसको ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर अच्छा लग रहा था मेरे ऊपर नहीं. सो अच्छा है ये मुझे, बट अभी तरीके ढूंढने पड़ेंगे इसको बेस्ट तरीके से पहनने के लिए. मैं बहुत सारे बॉडी सूट्स लेके जाना चाहती थी और मैं ढूंढ भी रही थी. एक तो सारे बेसिक बॉडी सूट्स मैं अर्बेनिक से मंगवा चुकी हूँ, सो मैं कुछ अलग सा ढूंढ रही थी. सो मुझे कुछ ज़्यादा मिला नहीं, सो मैंने सिर्फ एक ही मंगवाया. इसके बहुत प्यारे प्यारे कलर थे, जैसे लाइलैक कलर, जैसे ये वाला लाइलैक कलर, पिंक कलर, ब्लैक कलर. इसकी बहुत ही सुंदर शेप थी, लाइक यहाँ से कट आउट है इसमें यहाँ पे, देन ये बेसिक बॉडी सूट है. सो मेरे को था वहाँ पे बीच में या स्विमिंग वगैरह करते हुए ये मैं आई कैन यूज़ दिस. प्रॉपर पैडिंग वगैरह इसमें हो रखी, तो अंदर भी कुछ पहनने की ज़रूरत है नहीं.
यहाँ पे इनका ये शो चल रहा है बीच बीच में. सो ये लाइक बॉडी सूट्स आप अरबैन की वजह से मंगवाते हो तो ये नॉन रिटर्नेबल होता है, आप इनको रिटर्न नहीं कर सकते. आपको साइज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. ये स्टार्टिंग्स तो वैसे नहीं, स्मॉल से स्टार्ट हो रही है, मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया बट ये काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रेचेबल है. लाइक स्मॉल साइज़ स्मॉल टू मीडियम वाले बंदे को मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए. कलर बहुत प्यारा लग रहा है. इसका भी मटेरियल यहाँ पे पॉलिस्टर लिखा हुआ है एंड ओकेजन स्टाइल लिखा हुआ है वोकेशन. देखा, आप उसको घर पर नहीं पहन सकते, छुट्टी पर आप कहीं जा रहे हो आप उसको तो ही पहनूँ. सो मैं इसको नहीं पहनूंगी ऐसे. बाकी ये वन शोल्डर वाला इसका स्टाइल है, तो चलो उसको पहन के देखते हैं. लेट्स ट्राई दिस. सो इसका जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो है कट आउट ट्रिकी नीस एंड ये 1390. सब तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ. सो मैं जिस कट आउट की बात कर रही थी वो देखो, बट वो ये कि आपका पेट थोड़ा पतला हो तो वो अच्छा लगेगा. अगर ऐसे फैट से है तो आपको थोड़ा सा अलग एक कॉन्फिडेंस चाहिए होगा इसको पहनने के लिए. ये मैंने स्मॉल में मंगवाया, स्मॉल के हिसाब से मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है. बट इसकी एक चीज़ जो मुझे लग रहा है वो ये कि इसमें जो पैड्स हैं वो बहुत छोटे हैं. सो मैं तो वो निकाल दूंगी बिकॉज वो बहुत ही गंदा लुक दे रहे हैं. सो अगर आपका कुछ ऐसा सीन है तो आप भी वैसे ही पहनना बिकॉज ये नॉन रिटर्नेबल है, ये रिटर्न भी नहीं हुआ. सो यूजुअली बॉडी सूट में क्या होता है, नीचे बटन थे तो सब वो खोलो एंड पहन लो, एंड इसमें वो नहीं थे. सो उसको ऐसे चढ़ा के पहनना वॉज रियली अ टास्क फॉर मी. अपार्ट फ्रॉम दैट ये अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया. कलर बहुत प्रिटी है, कम्फर्टेबल है पहनने में. लाइक बट ये कि वो इजिली पहना गया बिकॉज ये बहुत स्ट्रेचेबल. अगर इतना स्ट्रेचेबल ना होता तो मैं इसको बिल्कुल ना पहन पाती. सो सही है, इसको आप कैसे भी लाइक मैंने तो अभी ऐसे इसको इसके साथ पहन लिया, ऐसे भी मुझे ये बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है. बट शॉर्ट्स वगैरह के साथ ये पहनो बहुत स्मार्ट लगेगा. सो मेरा ये वहाँ पर यूज़ होगा. नेक्स्ट वी हैव इज दिस एंड ये है फ्रिंज पुल ओवर टी शर्ट. एंड ये तो मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और वैसे भी इंस्टाग्राम वगैरह मैंने काफ़ी लोगों को ये पहने हुए देख लिया. ये तो बहुत ही कॉमन टॉप हो चुका है अरबैनिक का. बिल्कुल बेसिक क्रॉप टॉप है बट इसके ये फ्रिंजेस इसको थोड़ा सा अलग लुक दे देते हैं. एंड आई थिंक इसी की वजह से ये इतना फेमस है. लाइक बेसिक बट नॉट सो बेसिक वाला ये फील दे देता है पहना हुआ. बट इसका एक चीज़ जो मुझे लगा वो ये कि इसका नेकलाइन काफ़ी डीप है तो काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं होते. इनफैक्ट मैं भी नहीं होती, तो इसके अंदर कुछ ऐसा पहनना पड़ेगा कि वो नेकलाइन कवर हो जाए, देन आप ये पहनो. इसका साइज़ मैंने स्मॉल मंगवाया था बट ये एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट हो जाता है ना. अच्छा मैंने स्मॉल ही मंगवाया बिकॉज एक्स्ट्रा स्मॉल और छोटा आता तो वैसे इसमें स्पेस कम है, सो और कपड़ा कम हो जाता. सो स्मॉल मेरे को आई थिंक ये अच्छा फिट हो जाएगा क्योंकि मैं इसके अंदर भी कुछ पहनूंगी. तो चलो लेट्स ट्राई दिस. सी गाइस, जैसे मैं पहले बोल रही थी कि वैसे तो ये बेसिक सा टॉप है बट नॉट सो बेसिक है, तो मुझे पूरा ब्लाउज वाला फील दे रहा है. इसका स्टाइल वो ब्लाउज वाला है बट इसके फ्रिंजेस को अलग सा, इसके फ्रिंजेस को थोड़ा सा पार्टी पे बना देते हैं. सो आप इसको दिन में ही पहन सकते हो, उसको रात में ही पहन सकते हो. इसका वो है प्लस फुल स्लीव्स का अच्छा, वहाँ की गर्मी में धूप से बची रहूँगी बट है ब्लैक. सब इतनी धूप में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए ना. ये तो वो टॉप है, इसको आप शॉर्ट्स के साथ पहनो, साड़ी के साथ पहनो, स्कर्ट के साथ पहनो, हर चीज़ के साथ ये अच्छा लगेगा. सो ये अच्छा है, तभी ये मुझे सबके पास इतना दिख रहा है नाइस. बट मैंने इसको अपने डांस वीडियोस के हिसाब से सोच के मंगवाया था कि डांस वीडियोस में ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं ना, बट ये तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको कैजुअली ही पहन सकती हूँ. सो ये दिस इज़ रियली नाइस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज दिस स्कर्ट एंड ये है ड्रेप्ड असिमेट्रिक स्कर्ट. उसको मैंने इसलिए मंगवाया जो फोटोज मैंने यहाँ पे वो बंदी पहन के ना इससे बुशेस के सामने खड़ी है, ग्रीन लीव्स वगैरह के सामने, तो मुझे पूरा बीच वाला सा फील आ गया. तो मुझे लगा बीच बहुत अच्छा लगेगा. इसका स्टाइल भी कुछ बीच वाला ही है. सी यहाँ पे ऐसे गैदर्ड मटेरियल नॉट टाइप बंधी हुई है एंड देन यहाँ से स्लिट है ना इसमें, हाँ देन यहाँ से स्लिट है. तो बहुत ही सेक्सी लग रहा था ये पहनो इसमें ही पक्का. ओ इसका स्टाइल वोकेशन, देखा मैंने सही मंगवाया. इसको भी आप वोकेशन पे पहन सकते हैं, ऐसे कहीं पहन के मत चले जाना. लाइनिंग नो लाइनिंग किसमें नीड नहीं है. मटेरियल इज पॉलिस्टर एंड मॉडरेटली स्ट्रेचेबल. ये अच्छा खासा स्ट्रेचेबल, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, नॉट मॉडरेटली. ऐसे पहना हुआ बहुत स्मार्ट लग रहा था. इस टाइप के मैं जैसे मैंने बोला कि इसमें फिजिक बहुत अच्छी आती है, नहीं बीचेस वगैरह पहने हुए बहुत अच्छा लगेगा. इसमें आई थिंक सिर्फ दो ही कलर है, कि क्रीम कलर है एंड देन दिस लाइट ब्लू. सो मैंने लाइट ब्लू मंगवाया. तो चलो इसको भी पहले हम पहन के देखते हैं, फिर पता चलेगा इसका फिट वगैरह कैसा आ रहा है. ये स्कर्ट वैसे दे भी रहा है पूरा बीच वाला लुक. लाइक ये प्रॉपर स्कर्ट है बट ये मुझे पता नहीं क्योंकि कवर अप वाला फील दे रहा है कि बिकिनीज के ऊपर कवर अप्स नहीं पहन लेते, क्योंकि इसका ना ये वाला बहुत ही पतला कपड़ा है एंड यहाँ से भी थोड़ा सा ब्रॉड होता है ना, जैसे वेस्ट पे तो वो लगता है कि प्रॉपर स्कर्ट है, यहाँ पे वो बहुत पतला होता है, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बांधा हुआ है. तो वैसे बहुत कंफर्टेबल है, कलर बहुत प्रिटी है बट वो एक ही कवर अप वाला फील ज़्यादा दे रहा है. एंड इसकी लेंथ मुझे अपने ऊपर लंबी लग रही है तो मुझे लग रहा है शायद मुझे थोड़ी ऑल्टर ना करवानी पड़े. ठीक है, वैसे ऐसे ही बुरा नहीं लग रहा है. सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक गुडनेस मेरे को सारे कपड़ों का फिट अच्छा है, मुझे कुछ ऑल्टर नहीं करवाना पड़ेगा. मुझे बहुत आलस आता टेलर के पास जाने में. आप मानोगे नहीं, मैंने 6 महीने पहले ब्लाउज के कपड़े ला के दिए रखे हुए हैं, वो भी आज तक किसी टेलर को देने नहीं जा रही हूँ. तो अच्छा है. बाकी आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि आपको मेरी गोवा की शॉपिंग कैसी लगी, और प्लीज़ विश करना कि इस बार मैं गोवा चली जाऊँ. मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज अभी भी ना
कैंसिल हो रहा है, फिर प्लान बन रहा है, मतलब सोचो सब कुछ बुकिंग हो चुकी है, स्टिल वो कैंसिल होने के कगार पे है। सो मैं नहीं चाहती इस बार मिस करना, आई जस्ट वॉन्ट टू गो, होपफुली इस बार मैं चली जाऊँ और मेरे कपड़े यूज़ हो जाए ऐसा। और ऐसा मेरे को लगता है कि आई डोंट नो कि बीच वाली लोकेशन ही ख़राब मनूस हो रखी है क्या, बिकॉज मैंने और गरिमा ने लाइक गोवा के तो मेरे प्लान्स और एक दो बार कैंसिल हुए। मालदीव्स का प्लान बनाया था हम दोनों ने लिटरली कपड़े भी मंगवाए थे पूरे, बहुत सारे सेट्स हम दोनों ने सेम, हम वहाँ भी नहीं गए। पता नहीं बीच वाली लोकेशन में कुछ दिक्कत आ रखी है कि आई डोंट नो। तो बाकी मुझे अच्छे लगे, लाइक ओवरऑल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे बस एक चीज़ लग रही है, वो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्बैनिक कॉस्ट क्यों, क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद अर्बैनिक से कुछ ऑर्डर लगाया, वरना पहले तो मेरे ऑर्डर लगते रहते थे। बाकी क्वालिटी वगैरह मुझे कपड़ों की अच्छी लगी, एक दो आर्टिकल जो मुझे प्राइस के हिसाब से वर्दी नहीं लगे, बाकी तो मुझे सब कुछ पसंद आया। तो चलो होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। डिफरेंट सा कलर है इसका बहुत ही, तुम दोनों चुप हो जाओगे, मेरा बहुत ध्यान भटक रहा है। 1000 कट करने के मिनट कितने की।